141 प्लॉट जो है यहाँ बनने वाले हैं। और इसमें एक और अच्छी बात ये हुई है कि बहुत छोटे प्लॉट नहीं रखे गए हैं, जो न्यूनतम साइज है वो 500 मीटर की रखी गई है और उससे बड़े 5000 स्क्वायर मीटर तक के भी यहाँ प्लॉट रखे गए हैं। कुल जो है 104 प्लॉट जो है वो 500 से 1000 स्क्वायर मीटर के, और जो बड़े प्लॉट हैं वो 1000 से 5000 वाले वो 37 प्लॉट। दूसरी एक अच्छी बात है जो यही मैं फिर से सहगल जी को याद करूंगा, हमने कहा यार ऐसा मऊ जो है अब हमारा जिला है, मैं मऊ का एक तरह से मऊ को मैं अपना मानता हूँ, वहाँ की मिट्टी का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, वहाँ की आबो हवा का हमारे जीवन में बहुत उपकार है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, खाली देश में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में हम उसका उदाहरण दे सकें। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई बेहतरीन औद्योगिक पार्क ऐसा नहीं होगा, चाहे चीन का सुझोऊ हो या अमेरिका के हो, चाहे जापान के हो या जर्मनी के हो, जिन पार्कों का हमने दौरा नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कई बार उनके साथ गया हूँ, कई बार मुख्यमंत्री थे तब भी हम लोग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम करते थे, वो सब लेकर के दुनिया में हमने जितने भी इस तरह के मॉडल हैं उद्योग के वो लगभग देखे हुए हैं हमारे, तो मैंने उनको बताया, उनका भी देखा और सगन जी भी किसानी है, तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो अगर बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्लाट तो दे दिया, फैक्ट्री वाले आ भी गए, ये लोग व्यापारी लोग यहाँ खड़े हैं, उसके बाद पता चला कि पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी और निकासी की व्यवस्था है तो बिजली नहीं आ रही है, बिजली आ रही है तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा उसकी व्यवस्था नहीं है, और सब ठीक है तो बाउंड्री नहीं है तो अगल बगल के अच्छे लोग जो है वो भी आपकी फैक्ट्री में आकर के अपना कार्यक्रम कर जाते हैं, तो ये सारी बातें हमने कहा कि ये सब कुछ मैं चाहूँगा, भले थोड़ा 2 मिनट 2 महीना 4 महीना लगे, और भले आपको थोड़ा हम फिर से मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि थोड़ा और पैसा दे दीजिए, तो ये सारी बातें एक साथ हमें करके और फिर हमें औद्योगिक पार्क अपना शुरू करना है, तो एक अच्छी बात उसमें से ये आपके सामने आ रही है कि इसमें जहाँ 141 बड़े उद्योगों के लिए प्लॉट बनेंगे, वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री का भी एक कॉन्सेप्ट एक आजकल चल रहा है, फ्लैट वाली फैक्ट्री, फ्लैट मतलब एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फिर उसके ऊपर एक फ्लैट 2 मंजिल का भी कई जगह बन जाता है, 1 मंजिल तो होता ही होता है, तो उसको फ्लैटेड फैक्ट्री बोलते हैं कि कम जगह में ज़्यादा उद्योग या ज़्यादा इकाइयाँ लग सके, ऐसी फ्लैटेड फैक्ट्री का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। साथ ही आपने सुना ही बिजली का सब स्टेशन तैयार लगाने के लिए यहाँ, इसीलिए मैंने आज अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पांडे साहब को बुलाया था कि आप आके देख लीजिए, जगह आप चिन्हित कर लीजिए और आप अपना काम शुरू कर दीजिए, बिजली का बड़ी क्षमता की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी बिजली की, तो वो भी आए हुए हैं उसके लिए हम लोग जो है बिजली की, तो इस तरह से चाहे पानी की निकासी की व्यवस्था हो, चाहे जैसा कि बताया गया कि ड्रेनेज का जो सीवेज का काम है ऑलरेडी शुरू भी हो गया है, 250 मीटर का काम हो भी चुका है, बाउंड्री वाल का काम शुरू हो गया है, फिर आंतरिक जो रास्ते हैं रोड हैं उनका भी काम मुझे लगता है बरसात के बाद शुरू हो ही जाएगा। अभी आते आते मेरे ध्यान में आया कि जो ये सड़क है एक तो खराब हो गई है, बरसों से उपेक्षित रही होगी, और साथ में अगर इतना बड़ा औद्योगिक संकुल बनना है तो उसको चौड़ीकरण भी करना, फोर लेन करना भी आवश्यक होगा, उसके लिए भी मैं पीडब्ल्यूडी के साथ बातचीत करूँगा। तो इस प्रकार एक अत्याधुनिक, ये सिर्फ एक पार्क नहीं बन रहा है, औद्योगिक पार्क नहीं बन रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया के एक अत्याधुनिक पार्कों में से एक पार्क बने, इस तरह का हमारा मेरा प्रयास है। अभी इसमें काम शुरू हुआ है और मैं, जैसा कि मुझे बताया है लोगों ने कि 1 साल के अंदर ये
ये बिल्कुल जो है प्लाटिंग जो है होकर के उद्योगों के लिए प्लाट 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 जो है उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जो सरकार निर्धारित करेगी, उस प्रक्रिया से प्लाट मिलना शुरू हो जाएगा।